भाई परमानंद डेहरिया जी का आगमन हुआ है। हम जो पेंशन विहीन साथी हैं उनको जोड़ना है और आपस में अपना जो अभी आगामी रणनीति चल रही है, अभी तक महाकुंभ होते चले आ रहे हैं, विगत 7-8 महाकुंभ हो चुके मध्य प्रदेश में भी, और यह महाकुंभ अभी नजदीक है 8 जनवरी को, जो हमारे उज्जैन महाकाल की नगरी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु जी आ रहे हैं, साथ ही और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण भी, अधिकांश और विभिन्न प्रांतों से भी प्रांताध्यक्ष इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। कि हमारा सिवनी जिला विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्यों ना इस बार भी महाकाल की नगरी में हम दमखम के साथ विभिन्न तादाद को बढ़ाते हुए, क्यों ना हम भी अपनी अच्छी भीड़ लेकर महाकाल के दर्शन कर आए, और ये जो हमारी पेंशन बहाली की मांग है इसको आप पुरजोर समर्थन करें, क्यों ना हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय इस पर प्रकाश डालते हुए और अपनी बात को रखें। आदरणीय एमपीएस और ओपीएस का जो डिफरेंस था वो आप तक पहुंच गया है और काफी विषयों को लेकर अपन समझ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो अभी महाकुंभ हुए 2017 से जो आंदोलन चल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किन्हीं भी माध्यमों से, और साथ ही आप स्वयं पहुंच करके उन विषयों को देखें और समझें। आदरणीय विजय कुमार बंधु जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, उनके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ है। एनपीएस के अगेंस्ट एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ आंदोलन चल रहा है, वो जगह जगह मध्य प्रदेश में प्रत्येक महाकुंभ में उपस्थित होकर के मुख्य अतिथि की भूमिका में, एक प्रबंध नेतृत्व की भूमिका में आकर के आपको संबोधित कर रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों ने एनपीएस को समाप्त कर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी हिमाचल प्रदेश में घोषणा हो गई है आपका पेंशन संवैधानिक अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। ये राज्य का विषय है, हमारा पूरा भारत के जितने स्टेट हैं वो वेलफेयर स्टेट हैं, सामाजिक जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की है। सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी का जो लिविंग स्टैंडर्ड बनता है, वही जीवन स्तर आपका, आपके परिवार का सेवानिवृत्ति के उपरांत बना रहे, ये सामाजिक जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, और ये आपका पेंडिंग वेतन है, रुका हुआ वेतन है। हम मध्य प्रदेश शासन की रीढ़ की हड्डियां योजनाओं को संचालित करने के लिए, जमीन में उतारने के लिए, और हम राष्ट्र निर्माता हैं, सबसे पहले चिंता राष्ट्र निर्माताओं की, मध्य प्रदेश शासन की होनी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा मानव संसाधन यहाँ से जो फैक्ट्री है जिसमें हम खड़े हैं, जिसका निर्माण कर रहे हैं, एक अबोध बालक हमारे हाथ में आता है और हम उसको पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाने का काम यदि करते हैं, वो फैक्ट्री का नाम है शिक्षा विभाग विद्यालय है। महाकुंभ कर करके गांधीवादी विचारों को लेकर के अहिंसात्मक तरीके से और प्रजातांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों की बात उन तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें आप सबका योगदान है, जगह जगह देख रहे हैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं बंधु जी के नेतृत्व में हो रही हैं, तो हम सब इनका हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा 8 जनवरी 2023 उज्जैन के महाकुंभ महाकाल की नगरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कम से कम 25,000 कर्मचारी वहां उपस्थित होने की संभावना है। 4 दिन पहले से टेंट वगैरह लग रहे हैं, आपकी व्यवस्था बन रही है और भी अन्य व्यवस्था, आप लोगों से मैं एक प्रकार से निमंत्रण आमंत्रण देने के लिए आज का मुख्य प्रयोजन था हमारा, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपनी भूमिका का निर्वहन करें, वहां जाएं और आपकी आवाज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय प्रधानमंत्री जी उन तक आपकी आवाज जाएगी। सत्र चल रहा था तो उस सत्र में माननीय मंत्री महोदय उन्होंने कह दिया कि हम पेंशन का कोई विचार नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय 9 मार्च 2023 को विधानसभा में अंतिम चुनावी वर्ष भी है आपका, आपका नवंबर में चुनाव भी है, साथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि आपका अंतिम बजट पेश होना है, उस बजट में आपका जो अंतिम बजट होना है उसमें आप पेंशन की बात लाइए, तो 9 मार्च 2023 की हमने अंतिम तिथि दी है, यदि यह तिथि में माननीय प्रधान मुख्यमंत्री महोदय अनसभा में नहीं लाते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ये हमारी रणनीति और हम बता जाता आगे कर रहे हैं।
हमारा एक अल्टीमेटम होगा मध्य प्रदेश शासन को कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो आने वाले समय में, हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाला जो एक भोपाल में भी महाकुंभ होगा, उस भोपाल के महाकुंभ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दूंगा और साथ में अपने ज्ञापन के साथ निवेदन करूंगा कि आप विचार करिए। तो हमारी बात में आप विचार नहीं करेंगे तो हमारे लिए आंदोलन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। हम बच्चों का हित नहीं चाहते, हम समाज के निर्माता हैं पर राष्ट्र के निर्माता की हमको सिर्फ नाम मिला, सम्मान नहीं मिल रहा। बुढ़ापे में हमारे लोग जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं उनको 425 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक मिल रहा। बताइए 55,000, 75,000, 80,000 या 25,000 रुपए प्राप्त करने वाला अंतिम वेतन भुगतान में सेवानिवृत्त हो रहा कर्मचारी और उसे किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं है, साथ ही 1200-1300 रुपए मिलेगी, उससे अपना परिवार को उधर पोषण कैसे करेगा जब वो अपने अपने पूरे जवानी के वर्ष शासन को दे रहा, शासन के काम में दे रहा। वो दूसरे अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। 62 वर्ष की आयु तक अपने 20 से 25 साल 32 साल तक की सेवा पूरी जवानी अपने शासन प्रशासन को देता है, उसके आदेश निर्देश का पालन करके 24 आवर्स की ड्यूटी करता। इन परिस्थितियों में भी बुढ़ापे में उसकी कोई चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी हो हमको मिल। आप जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो वो सेवानिवृत्ति के उपरांत उसको पीपीओ जारी होता है, ओपीएस के कर्मचारी का, हमारे कर्मचारी का ना सेवानिवृत्ति का एक पत्र दे दिया जाता है और कहीं कहीं तो कागज भी जारी नहीं होता। ट्रेजरी से जो पेमेंट होना वो वाला पेमेंट का हटा देते हैं, बाकी आप बस बात खत्म हो जाती है। बताइए मध्य प्रदेश शासन हमारे जो अभी जो एनपीएस कर्मचारी उसका सम्मान की चिंता नहीं है, तो हमें ऐसी सरकार को बताने और जताने का वक्त आ गया है। आपसे मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, इस बार हमने निर्णय किया है कि इस बार हम मध्य प्रदेश शासन को एक महत्वपूर्ण हमारी एक जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है? हम भी सरकार चुनने का काम करते हैं, तो हम ऐसी सरकार, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, उसके प्रति हमारा विश्वास प्रकट करेंगे, जो हमारे सेवानिवृत्ति के समय के दुख दर्दों के प्रति उसकी सोच हो, उसकी संवेदना हो। इन विचारों को लेकर के NMOPS आंदोलन 2017 से कर रहा और जब तक अंततः एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गए उन तक के बहाली का काम कर ना ले तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आपको मैं बता दूं, वैश्विक महामारी बीमारी आई, 2 वर्षों तक पूरे समाज में कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं हुआ और हमारा कर्मचारी जानते हुए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो डॉक्टर्स टीम हो, जानते हुए कि उसको सामने मौत आ रही है और उसको गले लगाना और समाज की सुरक्षा करना, ये पूरे सरकारी कर्मचारियों ने करके दिखाया और समाज को बचाने का काम किया। बाल काल के गाल में समा गए हमारे कर्मचारी अधिकारी, पर उनके लिए भी मध्य प्रदेश शासन ने परिवार पेंशन की घोषणा नहीं की। ये इस बात के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन से पुनः निवेदन करता हूँ, जिनका मुखिया नहीं रहा है, जिन नादान बाल बच्चे, जिनके अबोध बच्चे आज रोड में आ गए, जो महिला कहीं कमाने नहीं जाती थी, जिसका परिवार का मुखिया कहना चाहिए 50,000 रुपये आपकी सेवा करके, गवर्नमेंट सेवा करके कमाता था, वो उसके आज दाना दान हो गए, ऐसे परिवार के लिए मध्य प्रदेश शासन को विचार करना चाहिए और हमें भी विचार करना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आपने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 रुपये का भी यदि पेन दे दिया तो वो बच्चा, जैसे आज कहते हैं बाप रहता है तो पूरी दुकान पूरे मार्केट का खोलेना उस बच्चे का मालिक होता है, और आज उसका बाप नहीं है, उसका पालनहार नहीं है, तो वो तरसता है कि मेरे 2 रुपये का पेन ला के कौन, जिसका धोना ढरकता है वही रूखा खाता है। इस दुख को दर्द को महसूस करके देखिए आप, तब आपके मन में पीड़ा होगी कि है पीड़ा, काश मेरे किसी के साथ भी कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। पर मैं मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त कर्मचारी अधिकारी अपनी परिवार पेंशन है, और कितनी कठोर सरकार है हमारी जो परिवार पेंशन के बारे में विचार नहीं कर रही, जबकि NPS कानून में परिवार पेंशन है और इसका मेमोरेंडम जारी हो गया है। और मैं बार बार हमेशा प्रत्यक्ष की सेवक के आर्थिक परिवार के लिए परिवार पेंशन, सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के लिए परिवार पेंशन, और हमारे अभी NPS कर्मचारी परिवार पेंशन, और प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना सरकार नहीं कर रही, इतनी बड़ी विडंबना हमारे साथ कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास आजकल मोबाइल है, इस मोबाइल में आप 3 महीने और 1 महीने का डाटा डलाते हैं, तो कम से कम आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट में जाइए और मध्य प्रदेश शासन की और अपनी पेंशन की मांग की, जो आपकी पेंशन की मांग है उसके लिए मेल करिए। आप अपने आज तक आपने एक ज्ञापन नहीं दिया होगा, आप पर्सनल ज्ञापन बना करके जो आपकी मांग है, जो आपके शब्द हैं, आप अपने शब्दों में लिखकर अपनी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। ये वक्त बहुत कम है, यदि आपने 2023 में मध्य प्रदेश में 9 राज्यों में चुनाव है, यदि 2023 में आपने पेंशन ले लिया
तो ले लिया, नहीं तो केंद्र का चुनाव 2024 में यदि उस समय तक यदि अभी वातावरण नहीं बना तो 24 में यदि नहीं लिया और केंद्र में वही सरकार बन गई जो पेंशन विरोधी सरकार है, तो फिर आपको 2029 तक हमारे 2030 25 32 में सारे लोग अनठानवे वाले रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारा आंदोलन बहुत पीछे चला जाएगा। आज लाखों की तादाद में आ रहे हैं, फिर हम 1000 और 500 से मटके रह जाएंगे। आप लोग के बीच में कुछ ऐसे परिवार होंगे जो मात्र हमारी वेतन पर निर्भर है, मात्र हम नौकरी पर निर्भर है, हमारे पास कृषि का कोई संसाधन नहीं है, व्यापार का कोई संसाधन नहीं होगा, 62 के बाद आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में आपके बीच के परिवार के लोगों को आप देखते होंगे कि जो सेवानिवृत्त हुए हैं जिनको 35-40 हजार पेंशन मिल रही है, जब आपको 1200-1300 रुपया मिलेगा तो आपकी बहू क्या कहेगी कि बुढ़िया जल्दी निपट, बुढ़ा जल्दी निपट, भगवान जी से अगरबत्ती लगाएंगे। तो ये सोचने की बात है, आपकी बहू आपका बेटा आपका नहीं करने वाला, कि वो आपका आपके साथ क्या होने वाला, ये भविष्य की चिंता करिए और बहुत सारी चीजें पूर्व अनुमान लगाइए। आप पढ़े लिखे हैं, मैं दूसरे आपसे बिना पूछे प्राइवेट कंपनी में आपका पैसा चला गया तो, और दूसरी कंपनी को NSDL ने हैंडओवर कर दिया। इन विषयों पे जाइए आप, सर मेरे साथ आए हैं, आप प्रांतिकालीन प्रभारी हैं, 20 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए, अभी तक आपको ट्राइबल विभाग में पोस्टेड थे, सेवानिवृत्ति का पत्र तक नहीं दिया, एक्सटेंशन का आर्डर मिला तो एक्सटेंशन ड्यूटी के लिए 4 में 17 अवधि के समाप्त तक नहीं गए, बताइए, और अभी आपकी पेंशन नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हो गए और 6 महीने लगेंगे आपका अंतिम जो भी राशि मिलना है NPS की, तो बताइए शासन की इतनी खराब नीति है कि जो व्यक्ति जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहा है उस दिन उसको उसकी राशि का पूरा गणना करके कहाँ इन्वेस्ट हुआ क्या इतनी राशि मिलना ये तब नहीं दे रहे। तो आज आपको ये इस बात की भी चिंता करके अपना पूर्व में सेवानिवृत्ति के पहले, चाहे आप 32 में होते 30 में, पहले शासन को लिख दो कि हमारी सेवानिवृत्ति के लिए हमको समस्त राशि का भुगतान किया जाए, जो हमारा अधिकार है 60% का, और 40% का जो इन्वेस्ट हो रहा है उसका हमको पहले बताया जाए। इन्हीं विषयों को लेकर के था आज, यदि इतनी मेहनत करके देख रहे हैं विषम परिस्थितियाँ, बहुत सारे लोगों के प्रति मेरी परिस्थिति देख के संवेदना हुई, भावनात्मक सपोर्ट मिला, कहा कि सर आपका पैर में चोट है फिर भी आ रहे हैं, ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने पूरे मध्य प्रदेश के 6 लाख लोगों की हिस्से की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी और मुखिया के रूप में दायित्व है, तो ये मेरे लिए सेकेंडरी है, ये चुनौती मुझे मिली, भले ही मेरे पैर में दर्द है या चोट है या फ्रैक्चर है, तो भी इस चुनौती को पॉजिटिव रूप में स्वीकार करते हुए हम इस काम को कर रहे हैं, अगुआ बन के कर रहे हैं, मुखिया हैं, तो मुझे करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है, इसे हम सेकेंडरी किसी के दायित्व नहीं सौंप सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, महाकाल की नगरी में आप स्वागत है, और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं सिवनी जिला का वासिंदा, यहां का जन्म निवास है, और यहां से मुझे इस क्रांति करने का, इस झंडे को थामने का अवसर मिला आप लोगों की दम पे, और फिर यह काम करने का जब मौका मिला है तो यहां बैठे तमाम लोग प्रांताध्यक्ष के परिवार के सदस्य हुए और प्रांताध्यक्ष के निवास की जिले के लिए, तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। इस जिम्मेदारी को उठाने का यदि सबसे पहले यदि कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो कौन दौड़ता है, रिश्तेदार रहे और ना रहे, अपन पड़ोस को बुलाते हैं तो मैं किसको आह्वान करूंगा, किसको बुलाऊंगा, मेरे जिले के वासिंदा लोगों को, किसके जिम्मे किसके दम पे मैं कोई बात करूंगा, किसके दम पे भरोसा होगा मुझे, कौन सा कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ आएगा बरघाट के लोगों के दम पे, सिर्फ आएगा सिवनी के लोगों के दम पे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आए और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें, तन मन और धन से करें, कहने से नहीं। आप 1 रुपया संगठन को दें, 1 रुपया जरूरतमंद को दें, आपके 2 रुपया के देने मात्र से किसी आपका नुकसान नहीं होगा। 1 गुंडी पानी से यदि 1 चिड़िया 1 चोंच पानी पी ले तो कम नजर नहीं आएगा। हमारी यदि पेंशन जिस दिन बहाल होगी, जो भी सरकारें करें, मैं उसको सार्वजनिक आपको बुला करके उसके पैर पखारने का काम करूंगा, क्योंकि हमारे यदि राष्ट्र में कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम उसका सम्मान करेंगे। इसी प्रकार आपके मन में विभाव रहे, जिसके प्रति जो व्यक्ति हमारी पेंशन बहाल करेगा तो हम उसके प्रति जो हमारे बारे में सोचे हम उसके बारे में सोचे। हमारा मूल उद्देश्य और लक्ष्य एक है, वो है OPS बहाली का, हम उस दिशा में जाएं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना अवसर दिए और इतनी एकाग्रता और पूरी तन्मयता से आपने हमारी बात को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। NPS की पीड़ा को काफी गंभीरता और गहराइयों के साथ आपने अभिव्यक्त किया, हमारे सभी जितने भी पेंशनधारी साथी हैं बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे बरघाट ब्लॉक के साथी जरूर 8 जनवरी के कार्यक्रम में शरीक होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ
मैं चाहूंगा हमारी संस्था प्रमुख आदरणीय राहुल डालेचर को वे दो शब्दों में आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त कर दें। आदरणीय प्रांताध्यक्ष श्री डहरिया जी, क्रांति कार्यकारिणी के सदस्य श्री डहरिया जी और उपस्थित मातृशक्ति एवं मेरे शिक्षक साथी और साथ ही हमारे बरघाट ब्लॉक के अध्यक्ष संतोष पारदी जी, बहुत विषम परिस्थिति में सर को पैर में चोट लगी उसके बाद भी अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना से हम सब लोगों को जगाने के लिए यहाँ तक पहुँचे। हम पूरा साला परिवार और पूरी बरघाट की टीम की तरफ से आपका हृदय से आभारी व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये उम्मीद करता हूँ हमारे यहाँ से 8 तारीख के कार्यक्रम में अवश्य रूप से वहाँ पे पहुँचेंगे।